अस्सलाम वालेकुम रेतू, टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 5 एंड द टॉपिक ऑफ द लेसन 5 इज रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ हेल्दी एंड सेफ, ओके, एंड व्हाट इज मीन बाय रूल्स। ठीक है, कुछ चीज़ें व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड सेफ। Now we will read the lesson first, then we will know that what rules are given in your lesson. Rules, you know that you should. अभी उन्होंने first में बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, okay? What you have to do, have a bath or shower every day. ठीक है, comb your hair and brush your teeth. Wash your hands before and after eating food. Before means पहले, after means बाद में, ठीक है? Wash your hands after you have been to the toilet. Cut your nails and keep them clean. Keep your nose and ears clean. Okay, उन्होंने बताया, you have to keep your body clean, neat and clean. For that purpose, you have to take bath or shower daily, every day. Okay, take care of your hair. Brush your teeth, wash your hands whenever you eat something before eating and after eating. Okay, wash your hands after you have been to the toilet. Whenever you visit to the washroom, you have to wash your hands. Okay, because there are a lot of germs in the washroom. That's why it is compulsory. It is very important to wash your hands. Cut your nails. Because if you don't cut your nails में germs आ जाएंगे और फिर जब आप वो खाएंगे उससे कुछ भी उस हाथ से खाएंगे तो वो आपकी टमी में चले जाएंगे, ठीक है, जिससे आप बीमार हो जाएंगे और हमने तो बीमार नहीं होना। एंड कीप देम क्लीन, ठीक है, और उनकी सफाई का ख्याल रखें। कीप योर नोज एंड ईयर्स क्लीन, ठीक है, अपने नोज को और ईयर्स को भी साफ रखना चाहिए। इन नोज ईयर्स का इसलिए कहा है कि अगर आप साफ नहीं रखेंगे तो उनके थ्रू जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जो आपको बीमार कर देंगे, ठीक है। फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्थी, ठीक है, जो रूल्स उन्होंने ये बताए हैं इनको फॉलो करें, मतलब कि आपने इनको करना है, यू हैव टू डू देम, ठीक है, तो फिर आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, आमतौर पर क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली ज़्यादा जो होती हैं वो कौन सी हैं। Talk about these pictures with your teacher. ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या बताया उन्होंने। Lice, nits, itching, dandruff. Okay, ये कब होगा? When you have lice, nits and you feel itching and have dandruff in your hair, when you don't take care of your hair. ठीक है, यहाँ पे जब हमने ऊपर रूल्स पढ़े थे तो उसमें कहा था कि comb your hair. ठीक है, अपने बालों का ख्याल रखें। रेगुलरली जब आप शावर लेंगे, शैम्पू करेंगे बाल, तो वो उसमें ना तो लाइंस होंगी ना फिर आपको इचिंग होगी और फिर ना फिर डैंड्रफ होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, गंदे रहने की वजह से। ठीक है, नंबर टू इज जर्म्स ईटिंग स्टमक एग। ठीक है, अब स्टमक में प्रॉब्लम पेन कब होता है, जब हम जर्म्स हमारे टमी में चले जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे जाएंगे, अगर तो हमने अनहेल्दी फूड खाया, हमने कोई फ्रूट खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल ले रहे हैं, तो हमने उसको वॉश नहीं किया, हमने हैंड वॉश नहीं किए, हमारे नेल्स ट्रिम नहीं थे, वो गंदे थे, तो उस तरह से हमारे जब अंदर जर्म्स चले जाते हैं, हम उनको खा लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर थ्री, स्वीट्स, टूथ डिके, पेन। ठीक है, डिके का मतलब ये है कि ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वो जो होता है ना कि टीथ जिनके ख़राब हो जाते हैं वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं कि अगर तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं और अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो आपको पेन होती है, दूसरा आपके जो टीथ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिके हो में आ जाता है। ठीक है, डिके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, जो डर्ट है, जो गंदगी और जो पोल्यूशन मीन्स आलूदगी है, वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दे आर कॉज्ड बाय, अब ये किस वजह से होती है, रबिश एंड डर्ट,
स्मोक एंड फ्यूम्स, ठीक है। अगर तो हम रबिश फेंक देते हैं इधर उधर रोड्स पे फेंक देते हैं, कहीं भी बाहर फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ सही तरह से नहीं करते, तो उसकी वजह से होती है। और ये जो गाड़ियों से और फैक्ट्री से जो स्मोक जो निकलती है ना, धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन होती है, ठीक है। डू यू नो हाउ दिस कैन हार्म यू? अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि ये जो अभी उन्होंने पिक्चर्स बताई हैं, ये आपको कैसे नुकसान देती हैं? फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, डर्टी मीन्स गंदी, लाइक मीन्स पसंद। फ्लाइज ये जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, इनको गंदी जगह पसंद होती है। दे पिकअप जर्म्स, दे लीव जर्म्स ऑन फूड बिकॉज दे लाइक डर्टी प्लेसेस। फर्स्ट दे सिट ऑन द डर्टी प्लेसेस, दे पिकअप द जर्म्स, एंड वेन दे कम टू योर फूड दे सिट ऑन द फूड एंड लीव्स देयर जर्म्स, ठीक है। तो फिर अगर आप वो वॉश किए बगैर वो फूड खा लेंगे तो वो फिर जर्म्स जो उनसे हैं आपके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें फ्लाइज नुकसान पहुंचाती हैं कि ये ट्रांसफ़र करती हैं जर्म्स को, ठीक है। पहले गंदी जगह पे बैठ के आती हैं और वो वाले जर्म्स जो होती हैं हमारे फूड पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉस्क्वीटोज, मॉस्क्वीटोज लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। अ मॉस्क्वीटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल, ठीक है। अब इसको क्या पसंद है, ये गंदे पानी में, ठीक है, गंदा जो बाहर कहीं गलियों वगैरह में पानी खड़ा हो, गंदा हो, वहाँ पे ये एग्स देती हैं, ठीक है। फिर जिस इससे फिर इनके और ज़्यादा मॉस्किटोज बन जाते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको काट ले तो ये आपको काफ़ी वेरी इल, बहुत बीमार कर सकती है। जैसे आपको पता है कि मलेरिया होता है मॉस्किटो बाइट कर ले तो डेंगू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी स्टेइंग हेल्दी। टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन, यू मस्ट ऑल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स, ठीक है। यहाँ पे सराउंडिंग्स का मतलब है आपके आसपास, ठीक है। आपको हेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखना है और अपनी सराउंडिंग्स को, ठीक है। इन सराउंडिंग्स में आपका रूम है, आपका घर है, आप अगर स्कूल जाते हो आपकी क्लासरूम, गार्डन, आपका जो से जिस अगर पार्क में जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास में रैपर्स फेंक दो, गंद डाल दो, ठीक है। तो आपने अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना है और वहाँ पे बिल्कुल भी रबिश जो सा है ना तो कहीं किसी प्लेग्राउंड में फेंके, ना कहीं घर में, ना बाहर, क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग्स गंदी होंगी तो आप बीमार हो जाओगे। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड, ठीक है। आपने स्कूल में भी रबिश नहीं फेंकना, जो रैपर्स हैं वो नहीं फेंकने। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाई ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हैविंग इनफ गुड स्लीप एवरी नाइट, ठीक है। अब बाकी उन्होंने क्या तरीके बताए कि ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड आपके लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। या फिर जो रोटन फ्रूट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, अगर आप वो खाते हैं या बहुत पुराना खाना खाते हैं तो वो आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल वाटर, बॉयल किया हुआ पानी पिए, क्योंकि जब वो बॉयल होता है तो वो जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, उसमें से वो जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो साफ हो जाता है। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ, ठीक है। एक्सरसाइज करें और प्रॉपर जो स्लीप है, जो नींद है, वो प्रॉपर लें, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, पूछा है, देखते हैं क्या कहते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्लाइज डोंट हैव टीथ, मतलब कि फ्लाइज के तो टीथ ही नहीं होते। इंस्टेड दे हैव अ लॉन्ग टंग लाइक अ स्ट्रॉ थ्रू विच दे सक अप फूड, कीप फ्लाइज ऑफ योर फूड, ओके। पहले उन्होंने बताया कि उसके पास तो टीथ ही नहीं होते, तो वो क्या करता, वो कैसे हमें काटता कैसे अगर टीथ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनकी इसकी जो फ्लाइज है उनकी एक लॉन्ग टंग होती है, ठीक है, और वो पतली सी लंबी सी होती है जैसे कि स्ट्रॉ होता है, ठीक है, और वो उसी से फूड को सफ करता है, ठीक है। एंड
अब उसमें एंड में आपको कहा है कि आपको चाहिए कि आप उसको अपने फूड से दूर रखें। और अब आप जानते हैं कि फ्लाइज को अपने फूड से दूर क्यों रखना है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको बीमार कर देती हैं, बिकॉज दे लाइक डर्टी प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेइंग सेफ। हियर इज अ वाइज सेइंग, लुक बिफोर यू लीव। ठीक है, किसी अकलमंद इंसान ने ये कहा है, एक मशहूर कॉल है, ठीक है, कि आगे बढ़ने से पहले आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये पिक्चर बताई है कि आप देखें कि आपको हमेशा आगे देख के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, दिस टेल्स अस दैट वी हैव टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी करने लगे पहले सोचना चाहिए। वी हैव टू लुक वेयर वी आर गोइंग। ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, इसे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हम किसी ट्रबल में तो नहीं आ जाएंगे। एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही। ठीक है, ख्याल ना करना। तो एक्सीडेंट्स जो उनसे होते हैं वो लापरवाही की वजह से होते हैं, ख्याल ना करने की वजह से होते हैं। मैनी एक्सीडेंट्स नीड नॉट हैपन एट ऑल इफ वी आर केयरफुल। अगर सारे केयरफुल हो जाएं तो हो सकता है कि बहुत से एक्सीडेंट तो हो ही ना। बी केयरफुल वेयर यू प्ले, डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड। ठीक है, जिस जगह आप खेल रहे हैं आप पहले ये देखें कि वो खेलने के लिए वो जगह सेफ है, और सड़क पे आपने अकेले नहीं जाना बच्चों। ठीक है, क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, अगर तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नियर बाय है, पास में है, तो आप कोशिश करें वहीं से ही आपने जाना है। रोड पे अटेंशन टू रोड साइंस। ठीक है, ये जो रोड साइंस होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक साइंस होते हैं, जहाँ पे शो किया होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पे आपको केयरफुल होना है। ठीक है, लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस। ठीक है, जब आप रोड क्रॉस करने लगे तो आपने पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर दोबारा राइट देखना है, और फिर आपने रोड क्रॉस करनी है। ठीक है, एट होम यू शुड, अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको घर में क्या करना चाहिए। नेवर लीव थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। ठीक है, यू मे ट्रिप और स्लिप ऑन देम। ठीक है, अब अगर आपने इस पिक्चर में जैसे इन्होंने बताया है कि ये बच्चा जो सा है, इसने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नीचे फ्लोर पे गिराई हुई है। ठीक है, और वो खुद ही फिर उनसे स्लिप होके गिर रहा है। ठीक है, तो आपने चीज़ें फ्लोर पे नहीं फेंकनी है। नेवर प्ले विद मैचेस, यू मे बर्न योरसेल्फ। ठीक है, कभी भी मैच बॉक्स लेके मैच स्टिक के साथ मत खेलें। ठीक है, क्योंकि कोई भी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, जिससे आपको खुद नुकसान हो सकता है, आप जल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, कभी भी मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना। नेवर टच बेयर वायर्स और द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। बेयर वायर्स मीन्स अनकवर्ड वायर्स। ठीक है, कहीं से अगर थोड़ी सी यहाँ पे वायर पे कट लगा हो, वहाँ से थोड़ी सी डैमेज हो, इस तरह की जो वायर्स होती है ना, उनको कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है करंट लगने का। ठीक है, और द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ठीक है, और जो मेटल पार्ट्स होते हैं, मेटल के बने होते हैं, वो जब उनमें स्विच ऑन है, पीछे से स्विच बोर्ड से ऑन है स्विच, तो अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल, और वो इलेक्ट्रिक शॉक इतना हार्मफुल भी हो सकता है जो कि आपको किल भी कर सकता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। These are all useful, they are also sharp. Be careful how you use them. Okay? ये कौन सी चीज़ें हैं? सीजर, नाइफ, रेजर। ठीक है, दीज आर यूजफुल, मतलब कि हमारे काम की है, डेली लाइफ में हमें घर में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट कीप इट इन योर माइंड डेट ये दीज आर शार्प। ओके, ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। ठीक है, वेन एवर यू यूज देम Be careful, okay? These may taste sweet, but if they are not for you, they may harm you. ठीक है, now they are talking about the medicines, okay? Most of the medicines are not tasty, although, but some of them are tasty. But अगर वो आपके लिए नहीं है, okay? अगर डॉक्टर ने आपको
नहीं दी है, आपके लिए नहीं है, तो आपने नहीं लेना, ठीक है। अगर आप फजूल में मेडिसिन ले लेते हो तो उससे भी आप बीमार हो सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब आपने खुद से इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।